नगरी ओमकारेश्वर के स्थानीय नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा तीर्थ यात्रियों और स्थानीय नागरिकों के साथ साथ अब स्कूल के मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद राजेंद्र चौकसे और जन सेवक लीलाधर खंडेलवाल ने पत्रकारों को अवगत कराते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 8 मैन रोड पर स्थित प्राथमिक शाला गोदड़पुरा विद्यालय में पीने के पानी की टंकी में विगत 8 से 10 दिनों से लगातार पीने के पानी में बदबू आने की शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि पानी की टंकी के अंदर बिल्ली का शव तैर रहा था, जिसकी शिकायत नगर परिषद पर किए जाने के बाद कर्मचारियों द्वारा बिल्ली को सड़ी और गली हालत में टंकी से बाहर निकाला गया और टंकी के पास ही फेंक कर चले गए, किंतु उसके बावजूद भी टंकी की सफाई न करते हुए वापस पानी की टंकी से शुद्ध पेयजल कहकर यात्रियों, रहवासी और बच्चों को पिलाया जा रहा है। जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय नागरिकों और पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए वार्ड पार्षद मायाबाई ने भी अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि बार बार सीएमओ और अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। हम उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। पार्षद राजेंद्र चौकसे और लीलाधर खंडेलवाल ने नगर परिषद के लापरवाह कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ उच्च कार्रवाइयों से शिकायत करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। SW24 न्यूज के लिए रफीक मुंडा की रिपोर्ट। बताइए पार्षद महोदय, वार्ड क्रमांक 8 में प्राथमिक शाला विद्यालय में पानी की टंकी में वो बिल्ली की शिकायतें आ रही, क्या कहना पड़ता है आपका? कहना यह पड़ता है कि हम तो शिकायत लेके जाते पर हमारी सुनवाई नहीं होती है नगर पालिका में। उसकी शिकायतें हमने कलेक्टर साहब को भी कली की है और दूसरी बात यह है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कलेक्टर जी महोदय शिकायत करें, चाहे सीएम हो या इंजीनियर हो। यही हमारा, ऐसी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कल जनता लाखों आती है, पानी पी के कोई दुर्घटना हो जाती, कोई हादसा हो जाता, उसका जवाबदार कौन? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।